तार काटने का लगा है आरोप, तो वो तो इंक्वायरी करेंगे। शट डाउन 11,000 का तार कोई ग्रामीण नहीं काट सकता। शट डाउन में नंबर होगा उनका, रजिस्टर मेंटेन होगा, पता करेंगे, पता चल जाएगा जो तार कौन कटवाया। केस कर दिए, फर्जी किए हैं वो तो थाना प्रभारी महोदय, उनको फोन किया है आने के लिए, वो आए नहीं है, आते तब तो उनको पता लगता। मिस्त्री से करवाया जी, कहां शट डाउन वही दिए होंगे कि दूसरा दिया। लोग पर आरोप लगा है तार काटने का, ये लोग कोई नहीं गया है, हम तो मुस्तैद है, रात दिन है ये है। लाइन थाना प्रभारी भर दिन खड़ा होके अपने लगाए हैं, ये वो कहना है जो 11 बजे रात में वहाँ से 11,000 का तार काट दिया गया। अच्छा, पूरे गांव का लाइन। तो शट डाउन जो लिए होंगे उनका नंबर होगा, सही से इंक्वायरी करे तो पता चलेगा। थाना प्रभारी भी जीआई को फोन किए, यहाँ तार जो गल के गिर गया तो बाबा 25 बार फोन किए, पूरा गाँव किया, कभी वो फोन नहीं उठाए, उनके कॉल डिटेल से सब पता चल जाएगा। मामला हुई है जैसे FIR दर्ज किया गया है, बीचे बीचे मकान पर मैं तार जोड़ा हुआ था, गला हुआ तार, वो रात में 10 बजे रात में एक महादेव भगत हैं जिनके तो दरवाजे देह पर गिरा, करंट लगा नहीं उसमें, देह में बच गए। उसके बाद दिन में हम बोचहाँ से आए, दो बजे आए तो उनका वो मिस्त्री था अथी बिजली बोर्ड का, वो तार काट के और फिर घरे पर मैं जोड़ रहे थे कटा हुआ तार। हम उसको कहे यही, ये घर पर मैं तार कटा हुआ नहीं जोड़िए, फरेक तार ला के जोड़िए, या नहीं तो पोल पर मैं जैसा तार जोड़ना हो, पुराना नया कोनो जोड़ सकते हैं, लेकिन दर हाँ जरा हुआ गला हुआ तार। अच्छा। हाँ तो आप लोग मना कर, हम मना कीजिए घर पर मैं तार मत जोड़िए। था जैसे पोल से पोल जाके ट्रांसफार्मर के पास जाना चाहिए था, लेकिन मिस्त्री तार कम पड़ने के कारण उसको डायरेक्ट मेरे दरवाजे से होके जोड़े हुए थे। पहले फ्रेश था, हम लोग नहीं कुछ बोले कि चलो भाई कवर लगा हुआ तार है, जोड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई भी थी। लेकिन उस दिन जब तार शॉर्ट लगने के कारण पूरे गल गया, तितर बितर हो गया, उस तितर बितर तार को जोर नार करके और मिस्त्री उसको जोड़ने के लिए कल होके आए, कहे कि इसी रूट से हम जोड़ेंगे। अच्छा, हमको परमिशन है जिस रूट से जुड़ा हुआ है उसी रूट से हमको जोड़ने का। हम लोग कहे कि इस रूट से जोड़ना है तो जैसे गल गया तार तो आप नया तार लेके लगा के दीजिए। अच्छा, क्योंकि इस जगह हम लोग बैठते हैं, बच्चा लोग रहता है, अगर तार गिरा कोई मरा गया तो क्या होगा। तो वो कहे कि नहीं हम यही जोड़ेंगे, जेई साहब को फोन लगवाए बात किए तो वो कहे कि नहीं तार आपका यही जोड़ाएगा, अभी लाइन चालू होने दीजिए। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर आप एक लिखित कहिए इनको देने के लिए कि अगर इससे संबंधित कोई घटना होगी, कोई भी ग्रामीण इससे नुकसानित होगा तो उसकी जवाबदेही आप ले रहे हैं, तो हम लोग तार जोड़ने देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मिस्त्री को पता नहीं क्या बात की है, मिस्त्री उनका तार समेट के रख के चला गया। तो वजह में एक दूसरा मिस्त्री और ग्रामीण लोग उधर जिधर लाइन कटा हुआ था वो लोग आए। अब इधर के ग्रामीण के कहे कि हमारा तार नहीं चलेगा तो हम इधर के लाइन को भी काट देंगे, तो दोनों ग्रामीण को लड़ता देख हम लोग थाना को फोन कर दिए। थाना प्रभारी आए, देखे, दोनों तरफ के पार्टी को समझाया कि भाई आप लोग आपस में नहीं लड़िए, ये तार हम अपने निगरानी में कल हम चेंज करवा देंगे, तार समेटवा के रखवा दिए और वो रात को चले गए। कल होके थाना प्रभारी आए, फिर बिजली बोर्ड का मिस्त्री आया और उस तार को जोड़ने के लिए दूसरा तार लाए जो पोल से पोल जाके तब उसको जोड़े। अब क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, पिता ज्वाला प्रसाद, घर महापुर, थाना गढ़ा। आपको पता है सच का आईना।